नमस्कार दोस्तों यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है इस वीडियो में अपन पीवी वी सिंधु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है स्वर्ण पदक तो इनसे संबंधित जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनके बारे में संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है यही है पी सिंधु तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाए इन्होंने छः चैंपियनशिप में पाँच मेडल जीतने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी हैं इन्होंने 2013 में कांस्य पदक उसके बाद 2014 में कांस्य पदक 2017 में इन्होंने रजत पदक और उसके बाद 2018 में फिर से रजत पदक और अभी 2019 में इन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है तो इनके बारे में संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे पहला क्वेश्चन है पीवी सिंधु से संबंधित सभी क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है तो पीवी सिंधु है इनका पूरा नाम है फुसरला वेकंट सिंधु इनका ये पूरा नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन है दो नंबर पीवी सिंधु का जन्म कब हुआ तो पीवी सिंधु है जिनका जन्म पांच जुलाई उन्नीस में हुआ आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रू, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा नेक्स्ट है तीन नंबर पी सिंधु ने दो की बी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था पीवी सिंधु ने दो की बी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था जिसको गोल्ड मेडल भी कहते हैं स्वर्ण पदक को गोल्ड मेडल कहते हैं और कांस्य पदक है जिसको ब्रांज भी कहते हैं और रजत पदक है जिनको सिल्वर भी कहते हैं यह उनका इस चैंपियनशिप में लगातार तीसरा और कुल पांचवा मेडल है सिंधु ने किसी बड़े टूर्नामेंट में पहली बार गोल्ड जीता है उन्होंने जापान की नौजोमी हारा को इक्कीस हाथ से और इक्कीस हाथ से एक तरफा मुकाबला से हरा दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन है चार नंबर पीवी सिंधु के कोच का क्या नाम है तो पीवी सिंधु है जिनके कोच का नाम है पुलेला गोपीचंद। ये उनके कोच का नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन है पांच नंबर पीवी सिंधु एक विश्व वरीयता प्राप्त भारतीय महिला खिलाड़ी है तो ये पीवी सिंधु एक विश्व वरीयता प्राप्त भारतीय महिला खिलाड़ियों के किसकी है बैडमिंटन okay, किस की है नेक्स्ट है छः नंबर पीवी सिंधु ने ओलंपिक खेलों के महिला एकल बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता था तो पीवी सिंधु ने ओलंपिक खेल हैं जिनमें महिला एकल बैडमिंटन है उनमें कांस्य पदक जीता था इन्होंने नेक्स्ट है सात नंबर पीवी सिंधु भारत की नेशनल चैंपियनशिप भी रह चुकी है तो पीवी सिंधु भारत की पहली नेशनल चैंपियनशिप भी रह चुकी है नेक्स्ट है आठ नंबर पीवी सिंधु का जन्म इनमें से किस स्थान पर हुआ था तो पीवी सिंधु का इनमें से हैदराबाद स्थान पर जन्म हुआ था इनका नेक्स्ट है नौ नंबर पीवी सिंधु के माता पिता इनमें से किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे तो पीवी सिंधु के माता पिता वॉलीबॉल खेल के खिलाड़ी थे है नंबर पीवी सिंधु ने किस वर्ष चीन ओपन का खिताब जीता था तो पीवी सिंधु ने दो हजार में वर्ष दो हजार में चीन ओपन का खिताब जीता था नेक्स्ट है ग्यारह नंबर पीवी सिंधु के पिता पीवी रमन जी को भारत सरकार ने किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था तो किस वर्ष 2000 वर्ष में पीवी सिंधु के पिता का नाम क्या था पीवी रमन तो पीवी रमन जी को अर्जुन पुरस्कार से 2000 वर्ष में सम्मानित किया गया था इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन को भी दबाएं इस चैनल पर हम करंट अफेयर सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान और पीछे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और नई से संबंधित सूचनाएं अपलोड करते रहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं नेक्स्ट है बारह नंबर पीवी सिंधु ने कितने साल की उम्र में ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था तो पी सिंधु ने आठ साल की उम्र में ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था नेक्स्ट है तेरह नंबर पीवी सिंधु ने 2011 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स के गर्ल्स सिग्नल में कौन सा पदक जीता था तो पीवी सिंधु ने 2011 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम में गर्ल्स सिग्नल में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने नेक्स्ट है चौदह नंबर पीवी सिंधु ने 2011 के एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के गर्ल्स सिग्नल में कौन सा पदक जीता था तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था यह एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप Hey, ने तो ने नेक्स्ट है पंद्रह नंबर पीवी सिंधु ने दो हजार ग्यारह के एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिश्रित टीम में कौन सा पदक जीता था तो पीवी सिंधु ने दो हजार ग्यारह के एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिश्रित टीम में इन्होंने कहा से पदक जीता था नेक्स्ट है सोलह नंबर पीवी सिंधु ने 2012 के एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के गर्ल्स सिग्नल में कौन सा पदक जीता था तो इसमें कौन सा पदक जीता था स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने तो इन्होंने 2012 में स्वर्ण पदक एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में और 2011 में कौन सा जीता था 2011 में इन्होंने एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था तो 2011 में कांस्य और 2012 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता नेक्स्ट है सत्रह नंबर पीवी सिंधु ने 2016 के दक्षिण एशियाई खेल के महिला एकल में कौन सा पदक जीता था तो पीवी सिंधु ने 2016 के दक्षिण एशियाई खेल में महिला एकल में रजत पदक जीता था नेक्स्ट है अठारह नंबर पीवी सिंधु ने 2014 के एशियाई चैंपियनशिप चे के महिला एकल में कौन सा पदक जीता था तो पीवी सिंधु ने 2014 के एशियाई चैंपियनशिप महिला एकल में इन्होंने कांस्य पदक जीता था ये ऊपर है ये दो है दो हजार चौदह है तो दो हजार सोलह में इन्होंने रजत पदक जीता था और दो हजार चौदह में इन्होंने कांस्य पदक जीता नेक्स्ट है उन्नीस नंबर पी वी सिंधु ने दो हजार चौदह के कॉमनवेल्थ खेल के महिला टीम में कौन सा पदक जीता था तो पी वी सिंधु ने दो हजार चौदह के कॉमनवेल्थ गेम है जिनमें महिला टीम में कांस्य पदक जीता था नेक्स्ट क्वेश्चन है बीस नंबर पीवी सिंधु ने 2014 के उबर कप नई दिल्ली में कौन सा पदक जीता था तो पीवी सिंधु ने 2014 के चौदह कप नई दिल्ली में इन्होंने कांस्य पदक जीता था इक्कीस ने दो में कौन सा पदक जीता था पीवी सिंधु ने 2016 के उबर कप है कुशन में उसमें कांस्य पदक जीता था, तो, था? यह दिल्ली में था जिसमें कांस्य पदक जीता और ये दो में इसमें भी कांस्य पदक जीता नेक्स्ट है बाईस नंबर पीवी सिंधु ने 2013 के विश्व चैंपियनशिप के महिला एकल में कौन सा पदक जीता था तो पीवी सिंधु ने 2013 के विश्व चैंपियनशिप के महिला एकल है जिनमें कांस्य पदक जीता था सबसे पहले भी अपने इसकी चर्चा की थी कांस्य पदक की 2013 में चैंपियनशिप के और 2014 के चैंपियनशिप में दोनों में कांस्य पदक इन्होंने जीता था कांस्य पदक को ब्रांच भी कहते हैं उसके बाद 2017 और 2018 जिसमें इन्होंने रजत पदक जीता था जीता था चैंपियनशिप में और दो में इन्होंने गोल्ड पदक जीता है नेक्स्ट है तेईस नंबर विश्व पीवी सिंधु ने 2014 की विश्व चैंपियनशिप के महिला एकल में कौन सा पदक जीता था तो पीवी सिंधु ने 2014 की विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक ही जीता था ये पांच क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एक तो दो हज़ार तेरह में इन्होंने चैंपियनशिप के महिला एकल में कांस्य पदक उसके बाद दो हज़ार चौदह में भी कांस्य पदक जीता था उसके बाद दो हज़ार सत्रह में इन्होंने सिल्वर या रजत पदक जीता था और दो हज़ार अठारह में भी रजत पदक या सिल्वर पदक जीता था उसके बाद दो हज़ार उन्नीस में इन्होंने स्वर्ण पदक हाल ही में जीता है ये पांच क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है तो आप इनको जरूर ध्यान में रखें और इनका नाम क्या है ये जरूर ध्यान नेक्स्ट है चौबीस नंबर क्वेश्चन है पीवी सिंधु ने दो खेल के महिला एकल में कौन सा पदक जीता था तो पीवी सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक खेल के महिला एकल में रजत पदक जीता था नेक्स्ट है पच्चीस नंबर पीवी सिंधु ने 2009 के सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था तो पीवी सिंधु ने 2009 के सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था नेक्स्ट है छब्बीस पीवी सिंधु ने 2010 के ईरान फ्रज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज के एकल वर्ग में कौन सा पदक जीता था तो इन्होंने कौन सा पदक जीता था रजत पदक जीता था आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा सताइस नंबर का क्वेश्चन है पी सिंधु ने 2013 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था तो पीवी सिंधु ने 2013 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने कहाँ से पदक जीता था नेक्स्ट है 28 नंबर पीवी सिंधु ने 2013 की बी एफ विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था तो पीवी सिंधु ने 2013 की बी एफ विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता था अरे भी ये दो हजार में है तो उन्नीस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है नेक्स्ट है नंबर पीवी शिंदु को भारतीय बैडमिंटन समिति की ओर से किस वर्ष मकाऊ ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीतने के लिए दस लाख रुपए की राशि का पुरस्कार दिया था तो ये किस वर्ष दिया गया था दो हजार में दो में इन्होंने दस लाख ,00 रुपए राशि का पुरस्कार दिया था नेक्स्ट है तीस नंबर पीवी सिंधु ने किस वर्ष भारतीय नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप चेंप जीती थी तो पी सिंधु ने 2013 में भारतीय नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी नेक्स्ट है इकतीस नंबर पी सिंधु को एन इंडियन ऑफ द ईयर का खिताब किस वर्ष दिया गया था तो पी सिंधु को एन इंडियन ऑफ द ईयर का खिताब 2014 में दिया गया था नेक्स्ट है बत्तीस नंबर भारत सरकार ने भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से पीवी सिंधु को किस वर्ष सम्मानित किया गया था तो पीवी सिंधु को पद्मश्री से 2015 में सम्मानित किया गया था नेक्स्ट है तैतीस नंबर पीवी सिंधु को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो पीवी सिंधु को अर्जुन पुरस्कार से 2013 में सम्मानित किया गया था ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं यही है पीवी सिंधु तो इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस वीडियो में सभी की चर्चा की आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना धन्यवाद दोस्तों इस चैनल पर हम करंट अफेयर सामान्य ज्ञान जी के सामान्य विज्ञान से संबंधित और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और पीछे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की वीडियो अपलोड करते रहते हैं भर्ती से संबंधित सूचना एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की के भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं अगर अभी तक यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि आगे की वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जितने भी व्हाट्सअप फेसबुक जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर करना तो बनी रहिए आप इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पर डेली नई अपडेट के साथ